अगर आप हैं अपने बिजनेस के नाम को लेके कंफ्यूज कि आपके नए बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे फैक्टर जो एक बिजनेस का अच्छा नाम डिफाइड करते हैं। सिर्फ जो ये टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ आपके बिजनेस के नाम को नहीं, बल्कि अगर आप कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके नाम को भी डिफाइड करने में हेल्प करेगा, कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके नाम को भी डिफाइड करने में हेल्प करेगा, इसके अलावा आप कोई दुकान ही क्यों नहीं नया खोलने जा रहे हैं उसके नाम को भी डिफाइड करने में ये वाला वीडियो ओवरऑल आपकी हेल्प करेगा। कुछ भी करें उसको साइड में रखें, फुल अटेंशन के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है बिजनेस के नाम को डिफाइड करने का, तो वो है रिकॉल वैल्यू। आप जो भी बिजनेस का नाम रखने जा रहे हो, वो जो नाम है उसका रिकॉल वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम हम लोगों ने रखा था नेपथ्य, स्पेलिंग इज NAIPATHYA। ऑल्दो ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा होता है बैक स्टेज, लेकिन लोग इसे याद नहीं कर पा रहे थे, लोग इसे मेमोराइज नहीं कर पाते थे। कोई निपथिया बोलता था, कोई निपथवा बोलता था, गूगल सर्च पे भी लोग सही स्पेलिंग नहीं टाइप कर पाते थे, क्योंकि बिजनेस का नाम ही कुछ ऐसा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बिजनेस का नाम ऐसा कुछ होना चाहिए जो आसानी से लोगों के जुबान पे आ जाए। अगर आपका नाम लोग जल्दी से याद ही नहीं कर पाएंगे, नाम अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, उसको कैसे अपने दिमाग के मेमोरी में फिट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का नाम का रिकॉल वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जिसका नाम था ग्राफिटी। नाम बहुत ही आसान है, लोगों के जुबान पे तुरंत आ जाता है ग्राफिटी, एंड इसका एडवांटेज भी हम लोगों को मिला, बिजनेस तुरंत पॉपुलर हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के नाम से रिलेटेड, वो है बिजनेस के नाम का लेंथ। कितना बड़ा नाम रख रहे हैं आप, ऐसा नाम अगर आपका है लेट से जो लगभग मान के चलिए कि 4 या 5 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो लोगों को याद करने में परेशानी होगी और बेसिकली जल्दी से आप कहीं प्रिंट भी नहीं कर पाओगे, और मतलब आपको हर एक जगह जो है कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस का नाम बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप जितने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, फ्लिपकार्ट सिंगल वर्ड का है, अमेजन सिंगल वर्ड का है, गूगल सिंगल वर्ड का है, ठीक है, इसकी तरह जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है वो सिंगल वर्ड का है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप चाहो तो 2 वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, 2 वर्ड से ज़्यादा का नाम अगर आपको चूज करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लोगों को याद करने में, लोगों को उसे मेमोराइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एंड दूसरा ये है कि कहीं भी आप मार्केटिंग वगैरह करते हो तो प्रिंटिंग वगैरह में आपको प्रॉब्लम आएगा, सोशल मीडिया में लोग उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम करेंगे, तो इस तरीके का आपको लंबा टाइम तक आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ वर्ड्स। अब ऐसा नहीं कि सिंगल वर्ड का ही नाम है और टोटल वर्ड्स का जो लेंथ है, टोटल जो कैरेक्टर्स हैं वो 20 कैरेक्टर्स का आपका जो है कि नाम है, तो उतना लंबा भी नहीं चलेगा कि सिंगल वर्ड में ही 20 कैरेक्टर का आपने नाम चूज कर लिया। तो टोटल लेंथ है नाम का, वो कोशिश करना है कि 7 to 8 कैरेक्टर हो। अगर 7 to 8 कैरेक्टर का आपको कोई नाम समझ में आ जाता है अपने बिजनेस का, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं वो 12 to 15 जा सकते हैं, 15 कैरेक्टर तक का नाम चल जाएगा। 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का अगर आपका बिजनेस का नाम है तो वहाँ पे आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है और कुछ नए आइडियाज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है अपने बिजनेस के नाम से रिलेटेड, या फिर आपको और सजेशंस की ज़रूरत है अपने बिजनेस के नाम को और कुछ धांसू रखने के लिए, और कुछ ऐसा रखने के लिए जो लोगों को ज़्यादा पसंद है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बिजनेस कोई लोकल बिजनेस है, लेट से आप सिर्फ रांची में सर्विस देते हैं, या लेट से आप सिर्फ पटना में सर्विस देते हैं, या सिर्फ आप लखनऊ में सर्विस देते हैं, उस केस में आप अपने बिजनेस के नाम में वो सिटी का नाम इंक्लूड कर दीजिए। जैसे कि लेट से आपका कोई बेकरी है, ठीक है, तो आपने अपने बेकरी के नाम के आगे रांची इंक्लूड कर देना अगर आप रांची में सर्विस देते हैं। इससे क्या होगा, ऑनलाइन सर्चिंग में आपके बिजनेस की रैंकिंग थोड़ा इंप्रूव होगी, एंड आपको सिर्फ रांची में ही जब सर्विस देना है तो रांची के लोग आपके नाम से एसोसिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो ये ध्यान में रखिए
कि जो भी आप सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं उस सिटी का नाम, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम अपने नाम में इंक्लूड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जैसे हमारे ग्रॉसरी के क्लाइंट आते हैं तो कोई नाम रख लेता है पटना ग्रॉसरी, या कोई नाम रख लेता है सूरत मार्ट, ठीक है। तो वो उस जो भी वो नाम देखेगा तो समझ जाएगा कि भैया इनका सर्विस जो है वो सूरत में ही है। आगे फर्दर क्लेरिफिकेशन देने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा रांची में रांची चाय करके बहुत फेमस आपको चाय का एक ये है, शॉप है। तो इस तरीके से आप चाहो तो नाम में जो है कि लोकेशन का नाम इंक्लूड करके लोकल बिजनेस का नाम रख सकते हो। अब चलते हैं वीडियो के बोनस सेक्शन में, कि ये तो हो गए फैक्टर्स जो डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, स्टिल मुझे सजेशंस कैसे मिलेंगे। लेट से मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं अपने बिजनेस के नाम में मार्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ, या बिजनेस के नाम में ग्रॉसरी इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा टूल मिल जाता जिसे मुझे इस नाम के अराउंड, इस वर्ड के अराउंड बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता। तो हम लोग चलेंगे लैपटॉप में एंड देखेंगे कि इफ ऐसा कोई टूल जिससे आपको नाम सेलेक्शन करने में बहुत ही आसानी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप में, एंड जिस टूल की मैं बात कर रहा था जिससे आप बहुत ही अच्छे नाम फाइंड आउट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, दैट इज लीन डोमेन सर्च। इस वेबसाइट का नाम है leandomainsearch.com। एंड ये काम कैसे करता है, आपको यहाँ पे जाना है लीन डोमेन सर्च में, एंड आपके दिमाग में जो भी आइडियाज है वो यहाँ पे टाइप कर दो। लेट से मैं चाहता हूँ एक कंपनी ओपन करूँ जिस कंपनी के नाम में अर्थ मैं चाहता हूँ कि हो, मतलब एक वर्ड अर्थ हो, अर्थ के अलावा कुछ आपको कोई एक और वर्ड भी हो या दो और वर्ड भी हो, तो मैं अर्थ लिख के यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे बहुत कमाल के सजेशन जो है कि ये वेबसाइट दे देगी। तो आप देख सकते हैं लगभग 1673, लगभग अराउंड मोर देन 1500 सजेशन हम लोगों को मिल गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अर्थ कंपेयर एक बहुत ही अच्छा नाम है, पल्स अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्लाइड अर्थ मुझे बहुत अच्छा नाम लगा, इसके अलावा डीलक्स अर्थ भी बहुत अच्छा नाम है, आइडेंटिटी अर्थ भी बहुत अच्छा नाम है। तो इस तरीके के बहुत सारे सजेशंस मिल गए हैं। इसी तरीके से लेट से मैं चाहता हूँ एक कंपनी में ओपन करूँ, उसमें मैं चाहता हूँ ग्रीन वर्ड जरूर से जरूर हो, ठीक है। तो मैं ग्रीन लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ देखिएगा बहुत सारे आपको सजेशंस आ गए, जैसे कोवट ग्रीन बहुत अच्छा नाम है, हॉटस्पॉट ग्रीन बहुत अच्छा नाम है, एक्सप्लोरर ग्रीन बहुत अच्छा नाम है, क्विक ग्रीन भी अच्छा ही नाम है। तो इस तरीके के बहुत सारे सजेशंस मिल गए हैं, मुझे लगभग 834 सजेशंस मिल गए हैं। इसी तरीके से लेट से मैं एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ इंडिया नाम उसमें जरूर रहे, मतलब इंडिया एक वर्ड रहे, इंडिया के अलावा कुछ प्लस माइनस इसमें रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट इंडिया बहुत अच्छा नाम है, इंडिया ड्रॉप बहुत अच्छा नाम है, ट्रिपल इंडिया बहुत अच्छा नाम है, किलर इंडिया भी बहुत अच्छा नाम है, और देखोगे इंडिया टूल बॉक्स बहुत अच्छा नाम है, इंडिया फ्लक्स, इस तरीके के देखोगे तो बहुत सारे मुझे नाम के सजेशंस मिल गए हैं, 885 नेम के सजेशंस मुझे मिल गए हैं। तो ये बहुत कमाल का टूल है, अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड है एंड चाहते हो वो वर्ड जरूर रहे ओवरऑल कंपनी के नाम में या ओवरऑल आपके बिजनेस के नाम में, ब्रांड के नाम में, तो ये टूल आप यूज कर सकते हो। चलिए बैक करते हैं फिर से। होपफुली फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको मिली होगी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जो अपने बिजनेस के नाम को लेकर कंफ्यूज है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।